हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन पे से गैस सिलेंडर को बुक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन पे से गैस सिलेंडर को बुक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर अपने फ़ोनपे के ऐप से आप अपने गैस सिलेंडर को बुक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं आज आपको करके दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आप भी अपने फ़ोनपे से गैस सिलेंडर को बुक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर फ़ोनपे सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद वहाँ पर अगर आपको आपका फ़ोनपे वहाँ पर अपडेट के लिए मांगा जा रहा है तो आपको सिंपली अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट के लिए नहीं मांगा जाए तो सिंपली आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए लोन रीपेमेंट लिखा हुआ है ना, उसके बगल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुक ए सिलेंडर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं एरर दे दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ समझने में। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के नीचे में देखिए लिखा हुआ है बुक ए सिलेंडर। तो सिंपली आपको बुक ए सिलेंडर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बुक ए सिलेंडर पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत गैस, एचपी गैस, इंडियन गैस। तो आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका कौन सा सिलेंडर है, भारत गैस है या एचपी गैस है या इंडियन गैस है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मेरा यहाँ पर एचपी गैस है तो मैं यहाँ पर एचपी गैस को सिलेक्ट करूँगा। आपका जो भी होगा भारत गैस होगा तो भारत गैस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इंडियन गैस होगा तो इंडियन गैस को सिलेक्ट करना है। एचपी गैस होगा तो एचपी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर एचपी गैस है तो मैं एचपी गैस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं एचपी गैस पर क्लिक किया हूँ यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्ट बुक मेथड। तो आपको यहाँ पर देखिए बुक यूजिंग, तो यहाँ पर आप किस तरह से बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर आईडी से आप बुक कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर से या फिर एलपीजी आईडी से। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से ही अपना गैस सिलेंडर सर बुक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने सेलेक्ट किया, तो मेरा नंबर यहाँ वहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया है। अब यहाँ पे देखिए मेरा ये मोबाइल नंबर नहीं है, दूसरा मोबाइल नंबर है, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। तो आपका यहाँ पर अगर वही मोबाइल नंबर है तो उसको सेलेक्ट करें। जब ध्यान रहे आपको मैं बता देता हूँ कि वही मोबाइल नंबर आपको लेना है जो आपके गैस सिलेंडर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है। तो मेरा यहाँ पर ये मोबाइल नंबर नहीं है, मैं उस मोबाइल नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपना वो मोबाइल नंबर ले लेना जो आपके गैस सिलेंडर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मैं फटाफट ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये मोबाइल नंबर है, मैं इस मोबाइल नंबर मेरा इस ये मोबाइल नंबर गैस सिलेंडर में रजिस्टर है। तो मैं इस मोबाइल नंबर से अपने गैस सिलेंडर को बुक करूंगा, एचपी गैस को बुक करूंगा। तो आपको यहां पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में देखिए एक ब्लू कलर में लिखा हुआ है नीचे में कन्फर्म का ऑप्शन, मैं ये दूंगा आपको आसानी से दिख जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, बुक करने के लिए आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करें कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपका जो भी आपका गैस सिलेंडर गैस का नाम है, भारत गैस होगा तो भारत गैस या एचपी गैस होगा तो एचपी गैस या फिर इंडियन गैस होगा तो इंडियन गैस। तो मेरा यहाँ पे एचपी गैस है तो यहाँ पे एचपी गैस शो कर रहा है। और उसके नीचे में दोस्तों यहाँ पर देखिए एक मोबाइल नंबर शो कर रहा है और बिल डिटेल कस्टमर नेम, मतलब यहाँ पर आपको सारी चीज़ दिखाई दे देगा कि कस्टमर नेम क्या है आपका जो भी है वो यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर आपको कितना पैसा लगने वाला है एक सिलेंडर बुक करने में, तो यहाँ पर शो करेगा जो भी आपका बिल होगा। 952 रुपये मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है कि यूपीआई से पेमेंट करेंगे या फिर पेटीएम वॉलेट से या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक से, जो भी आप मेरा ऐड है तो उस तरह से मैं करूँगा या फिर बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ही पेमेंट करना है तो उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। जैसे मैं पे स्टेट बैंक से पे करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे में देखिए 952 रुपया पे एंड बिल बुक एंड पे लिखा हुआ है ना, पे बुक एंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा आपका यहाँ पर वो UPI पिन डाल देना है। UPI पिन डालने के बाद आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करूँगा, आपको मैं डेमो के लिए बताया हूँ। तो आपको यहाँ पर जैसे ही बुक एंड पे क्लिक करेंगे आपको UPI डालकर पेमेंट कर लेना है। और इस तरह से आप दोस्तों अपने फ़ोन पे से गैस सिलेंडर को बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।